नगर के प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 18 जून को ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसान सम्मान निधि को लेकर कहा कि किसानों के प्रति प्रधानमंत्री जी का बहुत अनुराग है। उन्होंने जिस तरह कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, पूरे देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार की जो नीति रही है उससे आय इनकम बढ़ी है। सुनिए आगे उन्होंने और क्या कहा। देखिए, किसानों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अनुराग है। उन्होंने जिस प्रकार कहा है कि किसान की आमदनी डबल होना चाहिए, करीब करीब सारे देश में जिस प्रकार केंद्र सरकार की किसानों के प्रति नीति रही है उसे किसानों की आय इनकम बढ़ी है, और मुझे कहते हुए गर्व है कि उसके कारण देश में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है और भारत एक आर्थिक इंजन बन गया है और उसमें कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान। तो वहीं जब कैलाश विजयवर्गीय से प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नहीं, परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है पहली बात। दूसरी बात, मुझे रॉबर्ट बाड्रा पे दया आ रही है, उसने बहुत सारे जोधपुरी से सुना दिए थे लड़ने के लिए, उसका क्या होगा। इसके आगे भोपाल में बड़े तालाब के पास से वेस्टर्न बाईपास निकलने को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा, बड़े तालाब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसके कैचमेंट एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और जितने भी वाटर बॉडीज है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारी वाटर बॉडीज को संरक्षित करना, और भोपाल का जो तालाब है वो तालाब तो हमारे मध्य प्रदेश की शान है और इसलिए उस तालाब के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होगी। बता दें कि तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के अपने पहले दौरे पर पीएम मोदी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।